प्रधानमंत्री के आज के बयान के बाद अभी कुमार विश्वास ने एक ताजा बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि वो अभी भी उन्होंने जो कहा उस पर कायम है और एक बार फिर हमला बोला अरविंद केजरीवाल पर। आपको सुनाते हैं। पहले तो वो तय कर लें, वो और उनके चिंटू तय कर लें, है ना, क्योंकि मैंने तो ना आज तक इस्तीफा दिया पार्टी से, ना मुझे किसी ने निकाला और मैं तो यहाँ कार्यक्रम करने आया था। आपने बाइट में अचानक पूछ लिया तो मैंने एक बात कह दी कि पहले वो तय करें कि कांग्रेस या बीजेपी किसी की ओर से, भाई जो पार्टी मैंने बनाई, जिस संगठन का मैंने निर्माण किया, हम सब ने निर्माण किया, अगर वो किसी प्रदेश को देश से अलग करने की साजिश रचे, वो आदमी अगर निचता का काम करे, और जो ये कह रहे हैं कि मैंने नहीं कहा था, मेरा पिछला वीडियो देखें, मैंने 3 साल पहले बात कही थी, नहीं कही थी, उस समय मेरे गंभीर जो मतभेद हुए थे किस लिए हुए थे, पंजाब में मेरे खिलाफ दुष्प्रचार क्यों करवाया गया था, मुझे पंजाब क्यों नहीं भेजा गया था, जो कि मैंने गाना लिखा था उस टाइम, पंजाब में वायरल हुआ था, तो मेरा तो किसी राजनीति से कोई संबंध है नहीं, कोई मतलब नहीं है, कोई हारे जीते, भाजपा जीते, कांग्रेस जीते, अकाली जीते, आम आदमी बढ़े, मेरा कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, जो बात थी मेरे मुंह से निकली और वो सच है, और ये जो इस पार्टी से हैं, उस पार्टी से हैं, चिंटू जो बोल रहे हैं, भैया मैं किसी पार्टी नहीं, मैं तो अपनी ही पार्टी से हूँ जो मैंने बनाई है, उस घर पे कब्जा कुछ गलत लोगों ने कर लिया है तो उससे असर थोड़ी पड़ता है। और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि क्या कोई प्रमाण है आपके पास, आपने जो बात कही, क्या कोई और भी है जो ये बात जानता हो, या कोई ऐसा सबूत जो आप दे सके कि हाँ ये उन्होंने कहा था? वो उस आत्मुग्ध इंसान के कुछ चिंटू बोल रहे हैं जो हमारे खून पसीने से बनी हुई सरकारों के बाद आए हैं, है ना, मलाई चाटने, उन चिंटुओं से कहना अपने आका को भेजो, अगर औकात है ना तो आए सामान लेके, मैं भी सामान लेके आता हूँ, इस देश को पता चले कि तुम क्या कहते थे, क्या सुनते थे, तुम्हारे मैसेज क्या है, तुमने बोला क्या है, पता तो चले इस देश को, आ जाए एक दिन। क्या है, मैं चिंटू विंटो के चक्कर नहीं करता, लीगल नोटिस की बत्ती बनाए, वो जिसको देना उसको दे, मानहानि किसकी हुई, जिसकी मानहानि होनी चाहिए उसका तो मान ही नहीं है, वो आए ना, वो आए अदालत में मानहानि के लिए, वो जिसका चिंटू वो है वो आका मानहानि लेके आए अदालत में, तो मैं अदालत में दिखाऊंगा कि मानहानि किसे कहते हैं, पता चल जाएगी दोनों को। कल के बयान के बाद किसी का फोन आया आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से, किसी और की तरफ से, किसी और तरह का? वो जो धमकियां भेज रहे हैं, जो फोन कर रहे हैं, जो मैसेंजर पे भेज रहे हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप में धमकी चल रही है उनके, उनसे कहना है कि इनसे डरने का मेरा वक्त निकल गया, ना मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई इंटरेस्ट है, ना मेरे को किसी जीत हार में इंटरेस्ट है, मैं तो अपना ये कार्यक्रम कर रहा था, आपने मुझसे इस कार्यक्रम के बीच में सवाल पूछ लिया, इसने मैंने जवाब दे दिया, मैं उनकी धमकी से डरने वाला नहीं, और ऐसे लोगों की धमकी से क्या डरना जो लोगों पर आरोप लगा के बाद में माफी मांग लेते हो, मजीठिया से लेके स्वर्गीय श्री अरुण जेटली तक, जिन जिनके फर्जी कागज हमारे सामने लहराए थे उसने कि भाई इस पे बोल, इस पे बोल, इस पे बोल, आगे जा, हम बोल गए मूर्खों की तरह और बाद में चुपके से भैया मैं माफी मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ, ऐसे आदमी का क्या भरोसा करना। लेकिन ये भी बात थी पंजाब चुनाव के दरमियान ही आपने, अरे भैया आप पंजाब चुनाव के दरमियान यहाँ पे आए थे, मैं क्या करूँ, सोनसोर भारत पंजाब चुनाव के दौरान चल रहा था, मैंने आपसे कही थी कि आप पंजाब चुनाव में मुझसे पूछो, आपने मुझसे पूछा कि उसने ऐसा कहा है कि हिंदू डरे हुए फला हुए हैं, तो मेरे अंदर जो जो था, जो मुझे पता था वो निकल गया, यही मेरी क्वालिटी है कि मैं बोलता हूँ तो निकल जाता है, और उससे उसके चिंटुओं से ये कहना है कि आका की थोड़ी बहुत इज्जत बचानी है ना, तो मुझसे ज्यादा मत भिड़ो वरना मैं सारी बता दूंगा क्या क्या है। अभी वो कुछ सांपों के इलाज कुछ विशेष सफेदों पर होते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।